26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेड और तरह तरह की झांकियों के जरिए भारत की ताकत और संस्कृति को देखती और समझती है। लेकिन इस बार की रिपब्लिक डे परेड तो और भी खास होने वाली है, क्योंकि इस बार भारत की बेटियां रिपब्लिक डे के मौके पर अपनी जांबाजी और बहादुरी की परिचय देंगी। महिला सीआरपीएफ की डेयर डेविल्स टीम पहली बार राजपथ पर 26 जनवरी के मौके पर मोटरसाइकिल के जरिए अलग अलग करतब का हुनर दिखाएंगी। अमूमन गणतंत्र दिवस पर अपने पुरुष जवानों को बाइक स्टंट करते देखा होगा, लेकिन इस बार दर्शकों के सामने सीआरपीएफ की महिलाएं बाइकर करतब करती हुई दिखाई देंगी, जिससे सभी महिलाओं को प्रेरणा और शक्ति का संदेश जरूर मिलेगा। इसके लिए ये महिलाएं राजपथ पर जमकर अभ्यास भी कर रही हैं। तो आइए खुद इन जाबाज महिला सीआरपीएफ से जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ ऑल सीआरपीएफ को और देश की तरफ से हमें पहली बार मतलब एक बार मौका दिया गया राजपथ में परफॉर्मेंस करने के लिए, तो हम लोग बहुत खुद को गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं थोड़े बहुत तो बाइक चलाना आता था, बट जब यहाँ जुड़ गए तो जब हिम्मत है तो सारी चीज ही। हम पहले से ही दिखा गए कि लड़की लोगों को थोड़ा सा एक कदम पीछे ही रखते हैं कि ये नहीं कर सकता है करके, और जब हम लोग वो चैलेंज को लेते हैं और वो करने का जोश रखते हैं कि अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते, तो हमें एक गर्व भी महसूस होता है और चैलेंज को लेते भी है, चाहे वो किसी भी जैसे हमें लेडर कर रहा है या कोई भी हैंड फ्री कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डर लगता है, पर डर जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो डर खुलते जाता है। मैम देश के महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी, जो भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, किसी चीज को डरना नहीं और हर चीज में आगे रहना, व्हील पावर बना के रखना, कहीं भी हारना नहीं, हम किसी से कम नहीं। देश की महिला के लिए हमेशा यही बोलेंगे, सबसे पहले देश है, उससे बाद सब कुछ, अगर देश बुलाता है तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के हम लोग आ जाते हैं। तो देखा आपने कितने बुलंद हौसले वाली हैं अपनी ये महिला सीआरपीएफ की टीम। अब इन्हें ट्रेनिंग देने वाले डीआईजी बीबी वैद से जानते हैं कि वो इन महिला बाइकर्स टीम को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। मैम ये जो बाइकर्स की टीम है, ये 2014 में जो हमारे प्रेजेंट डीजी साहब हैं मिस्टर एपी महेश्वरी, वो यहाँ पर आईजी नॉर्दर्न सेक्टर थे, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो स्टंट है ये मेल टीम ही परफॉर्म करती थी जी। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं कुछ अलग करें और एक महिला टीम बनाएं। तो 2014 में मैम ये टीम बनाई गई थी। मैम जी मैम बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी लड़कियां जो छुट्टी पर थी उसको छोड़ के आई हैं, काफी लड़कियों के बच्चों के एग्जाम चल रहे थे मैम, उनको छोड़कर आई हैं, उनको लगा कि देश सेवा हमारे लिए सर्वोपरि है और हमें वो जरूर परफॉर्म करनी चाहिए मैम। तो कुल मिलाकर इस बार दुनिया को राजपथ पर भारत की आधी आबादी की ताकत भी देखने को मिलेगी।